हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग मेरठ। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम मेंडल ने, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने तीन लॉज यहाँ पे दिए हैं। उन तीनों लॉ को मिला के बोला जाता है मेंडल्स लॉ। तो इस पर पूरी जेनेटिक्स बेस्ड है। इसमें तीन लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो लॉ दिया था जॉर्ज मेंडल ने, इसमें बताया था उन्होंने कि कोई भी अगर पेयर है, उसके अंदर एक करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा सप्रेस्ड हो रहा है, तो जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है और जो सप्रेस्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिसेसिव। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में फर्स्ट उन्होंने जो इसमें इंक्लूड करा, फर्स्ट पॉइंट जो बोल सकते हैं हम इसको, वो बोल सकते हैं करेक्टर्स जो कंट्रोल्ड हो रहे हैं वो एक यूनिट के थ्रू हो रहे हैं, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर। करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, वो क्या होता है, फैक्टर होता है। और सेकंड, इसमें हमेशा जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, पेयर्स में। फैक्टर्स आर इन पेयर, हमेशा पेयर में मिलेंगे फैक्टर्स, है ना। और जो है नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं इसमें, डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। तो उसमें क्या होगा, डिसिमिलर जो पेयर है फैक्टर का, उसमें वन मेंबर तो क्या होगा, डोमिनेंट, और अदर क्या होगा, रिसेसिव। वन मेंबर इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ठीक है, अब यहां पे हम ये बात कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम क्लास का, है ना। क्लास में अगर कोई टॉपर है तो वो टॉपर क्या हो चुका है, डोमिनेंट हो चुका है, और बाकी के जो बच्चे फेल हो रहे हैं या एवरेज हैं वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो यानी कि जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है, अपना करेक्टर लूज नहीं कर रहा, अपने करेक्टर को नहीं छोड़ रहा है, तो वो कौन है, डोमिनेंट है। और जो अपने करेक्टर लूज कर देता है, सप्रेस कर देता है, वो कौन होता है, रिसेसिव। तो यहाँ पे हम एक छोटे से क्रॉस के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लेते हैं, और किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो हमेशा 3:1 आती है। तो यहाँ पे हम एक क्रॉस, जैसे हमने लिया, सपोज करिए कि टॉल प्लांट क्रॉस विद, हमने यहाँ पे करेक्टर लिया है किसका, हाइट ऑफ प्लांट का। ठीक है, तो सबसे पहले आप जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप हम कैसे लिखते हैं। अगर हमने बोला हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, तो उसमें दो ट्रेट्स हो गए, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो हमने टॉल का लिया, तो हमेशा जो है, जो डोमिनेंट होगा उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करोगे, और जो रिसेसिव होगा, उस जिस लेटर से आपने डोमिनेंट को शो करा है उसी का स्मॉल लेटर लोगे आप रिसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे टॉल लिया, तो कैपिटल टी दैट इज द डोमिनेंट एलील फॉर द पेरेंट ऑफ टॉल प्लांट। फिर दूसरी तरफ हमने क्या लिया, ड्रॉफ, तो ड्रॉफ में मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, स्मॉल टी। तो यानी कि जो डोमिनेंट ट्रेट का हमने लेटर लिया है कैपिटल, उसी रिसेसिव ट्रेट के लिए उसको हम स्मॉल में ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। तो कैपिटल टी ये क्या हो गया, टॉल प्लांट, ये क्या है, पेरेंट्स, और ये क्या है, ड्रॉफ, और ये क्या है, टॉल। ठीक, अब हम इसके गैमेट बनाएंगे। ये दोनों कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस में जो गैमेट बनेगा वो इसका रहेगा सिर्फ कैपिटल टी, सिंगल टाइप का बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, स्मॉल टी, ये क्या बन गया, इसके गैमेट्स। अब इसको हमने क्रॉस करा, क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, तो एक फादर का आता है और दूसरा किससे आता है, मदर का। किसी भी गैमेट के फॉर्मेशन में उसके चांसेस 50-50% चांसेस होते हैं एक मदर
के आने का फैक्टर और दूसरा फैक्टर किससे आता है, उसके फादर का, फादर और मदर के दोनों फैक्टर्स आते हैं। तो ये जनरेशन आ गई F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को हम क्या करते हैं यहां पर, सेल्फ क्रॉस कर दें, ठीक है। इसका क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गई F1 जनरेशन। अब हम इसको क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस, ये हो गए। अब यहाँ पे ये क्या हो गए, पेरेंट्स, ये सेल्फ क्रॉसिंग हो रही है। तो अब ये देखिए ये हेट्रोजाइगस है बट टॉल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट ने देखो इसको क्या कर दिया, सप्रेस। हमने क्या बोला था कि जो डिसिमिलर फैक्टर को लेके पेयर होते हैं और उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो डिसिमिलर फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स में से एक ये वाला क्या हो गया, डोमिनेंट, और ये क्या हो गया, रिसेसिव। तो इसमें यहाँ पे दो गैमेट बने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसको पुनेट स्क्वायर से क्रॉस दिखाते हैं, ये जो हम बोर्ड बनाते हैं इस तरीके का, ये पुनेट स्क्वायर कहलाता है। तो इसमें हमने एक तरफ ले लिया मेल और एक तरफ ले लिए फीमेल, इधर हमने मेल के गैमेट लिखे, इधर लिखे फीमेल के। तो अब ये इसके साथ क्रॉस हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो यहां पे तीन प्लांट जो बने हैं वो कैसे हैं, टॉल। ये देखिए, वन इज द होमोजाइगस एंड टू इज द हेट्रोजाइगस टॉल एंड वन इज द ड्रॉफ। तो यहां पे जो रेशियो आई वो क्या है, रेशियो आई 3:1, थ्री प्लांट्स आर टॉल एंड वन प्लांट इज द ड्रॉफ। तो ये किसकी वजह से आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक फैक्टर हमेशा दूसरे को सप्रेस करता है, खुद डोमिनेंट रहता है, एक्सप्रेस करता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ये जब तक ये सेम था तो डोमिनेंट था, टॉल रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जब वो कैपिटल टी स्मॉल टी दो फैक्टर इंक्लूड हो गए डिफरेंट, तो उसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, डोमिनेंट ने रिसेसिव को दबा दिया और किसका करेक्टर शो करा, अपना, तो वो क्या बन गया, टॉल। ये दोनों क्या बन गए, टॉल। और जब दोनों रिसेसिव करेक्टर एक साथ आ गए तो यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है तो उसको कोई सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो अपना करेक्टर शो कर रहा है, इसलिए ये क्या रहा, ड्रॉफ, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ हम यहाँ पे ले रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको प्योरिटी ऑफ गैमीट का लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। सेग्रीगेशन मीन्स होता है सेपरेट होना, ठीक है, सेपरेशन से मीनिंग होता है। तो सेग्रीगेशन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, तो उस टाइम पे जो गैमीट्स बनते हैं उन गैमीट्स के जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उनमें क्रोमोजोम्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो उस चीज को यहाँ पे सेग्रीगेशन बोला गया है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोला है, characters of an organism are determined by the internal factors which occur in pairs. Only one of a pair of such factors can be present in a single gamete. जब किसी भी organism का जो character है वो हमेशा internal factors यानी genes के through control होता है, और वो हमेशा genes किस में मिलते हैं, pair में मिलते हैं, और उन पे जब gamete formation होता है तो उनमें से एक ही pair क्या होता है, एक ही factor एक gamete में जाता है। जैसे हम example लेते हैं, जैसे सपोज करिए करिए ये एक सेल है, ठीक, उसके अंदर 2n यानी कि डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इससे दो गैमीट बन गए। तो इसमें क्या होगा, एक सेट इसमें चला गया क्रोमोसोम का, एक सेट इसमें चला गया, तो ये क्या हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। उसी तरीके से हम ले लेते हैं कि अगर एक बॉडी अपने गैमीट बना रही है, मेल बॉडी है तो स्पर्म बनाएगी, फीमेल बॉडी होती है तो एग बनाती है, या हम ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे कि कोई मेल बॉडी है तो मेल बॉडी में एक्स वाई दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दो गैमेट बनाएगा, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। अगर एक्स एक्स वाले से फ्यूज होगा तो फीमेल बन जाएगा, वाई एक्स वाले से फ्यूज होगा तो मेल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैमीट जब बनते हैं तो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वली सेपरेट हो जाते हैं। तो इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो
तो ये किस टाइम पे लगता है? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस पे ये लॉ अप्लाई होता है। तो अब हम इसी तरीके से इसका हम लॉ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया है कि टॉल प्लांट है, हाइट ली है प्लांट की। टॉल प्लांट की होमोजाइगस टॉल, एक प्योर पेरेंट है टॉल और एक प्योर पेरेंट है ड्रॉप, इन दोनों का हमने क्रॉस कराया। क्रॉस करा के एवन जनरेशन में जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या प्रोड्यूस हुआ? टॉल प्लांट। लेकिन ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये इसके फैक्टर्स बने, तो ये एक फैक्टर, एक गैमेट बना है यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन थी। अब यहाँ पे इनकी हम सेल्फ क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो ये देखो ये सेपरेट हो गए, इक्वल फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वल गैमिट्स में। इधर इसमें आ गया कैपिटल टी, इसमें आ गया स्मॉल टी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? गैमिट फॉर्मेशन। ये लगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने इनको आपस में क्रॉसिंग कराई, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था? 3:1। जो फिनोटिपिक रेशियो आई इसकी, फिनोटिपिक रेशियो क्या है इसकी? 3:1। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो कितनी रही? 3:1। 3:1 कैसे? देखिए 1, 2, 3, ये तीनों प्लांट क्या है? टॉल है, ठीक है। 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज द ड्रॉप, ठीक। क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट ने रिसेसिव को सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर क्या आया? टॉल। अब हम इसको जेनेटिकली देखते हैं, तो इसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी? जीनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:1। अब कैसे? देखिए यहां पर 1 जो प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल, यानी कि 1 क्या हो गया? टॉल, होमोजाइगस टॉल। मैंने एचटी लिख दिया, मीन्स होमोजाइगस टॉल। अब ये दो प्लांट देखेंगे आप, तो इनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये दो सेम जीनोटाइप के हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकली तो क्या है? टॉल है, लेकिन जेनेटिकली इनका स्ट्रक्चर इससे क्या हो गया? डिफरेंट। ये कैसा हो गया? हेट्रोजाइगस टॉल, एच ई लिख दिया हेट्रोजाइगस के लिए। तो ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस टॉल। और 1 क्या है इसमें? ड्रॉप। ये रिसेसिव हो गया, ये क्या हो गया? ड्रॉप। तो इस तरीके से जेनोटॉपिक रेशियो आई इसकी 1:2:1। तो अब हम नेक्स्ट लॉ ले रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मतलब मिक्सिंग होना, इंडिपेंडेंटली जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं उसको हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ ट्रेट इन अक्रॉस, द फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर आर डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंटली टू द गैमीट। जब हम एक ट्रेट से ज्यादा, एक करेक्टर से ज्यादा के आपस में क्रॉसिंग कराते हैं, तो उनके जो फैक्टर्स हैं, जो गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है उनके गैमीट में, वो इंडिपेंडेंटली आपस में असॉर्ट कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हम एक करेक्टर से ज्यादा करेक्टर ले रहे हैं, तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस हुआ 2 करेक्टर्स को लेके, तो उन 2 करेक्टर्स में जो फैक्टर्स हैं, हर करेक्टर का जो एक फैक्टर है, वो फैक्टर आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो उस लॉ को नाम दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम जीनोटाइप देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 2 करेक्टर लिए, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ठीक है। तो अब इसमें शेप ऑफ सीड के लिए मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है, उससे मैंने हर करेक्टर के ट्रेट्स बताए हुए थे। तो जैसे मैंने शेप ऑफ सीड लिया है, तो 2 ट्रेट्स हैं उसके, राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड उसमें डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट करेक्टर के लिए हमेशा हम किससे लेते हैं? कैपिटल से। तो हम क्या लेंगे? कैपिटल आर। और हमेशा क्या रहते हैं? ये पेयर में रहते हैं, तो हमेशा कभी भी हम इसको सिंगल नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? पेयर में। तो क्या लिख दिया हमने? कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो ये क्या हुआ? राउंड, ठीक है। ये किसके लिए हुआ? राउंड के लिए। उसी तरीके से रिंकल्ड, इसका रिसेसिव ट्रेट है, तो हमने क्या ले लिया? स्मॉल में। तो ये क्या हो गया? रिंकल्ड, ठीक। उस
उसी तरह से कलर ऑफ सीड, तो सीड का जो डोमिनेंट कलर है वो क्या होता है, येलो, तो कैपिटल वाई येलो हो गया, और स्मॉल वाई ये क्या हो गया, ग्रीन। तो ये इस तरीके से हम कलर मेंशन, मतलब हमने ले लिया कि एक करेक्टर के लिए एक डोमिनेंट एक रिसेसिव ट्रेट के लिए क्या जीनोटाइप होता है। अब अगर हम पेरेंट बोले राउंड एंड येलो सीड, ठीक है, तो राउंड एंड येलो सीड अगर हमने बोला प्योर, तो राउंड के लिए क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये हो गए येलो सीड। अब इसी तरह से हमने दूसरा चीज लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, तो ये बन गए कौन से, रिंकल्ड एंड ग्रीन, दोनों क्या आ गए रिसेसिव। अब इनके बीच हम क्रॉसिंग दिखाते हैं, इंडिपेंडेंटली कैसे सॉर्ट करते हैं, इनके कैंडिडेट्स कैसे बन रहे हैं। अब देखिए, अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे हेट्रोजाइगस फॉर्म ले ली, जैसे राउंड कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अब हमने यहाँ पे ये लिया है, तो इसके जो गैमेट बनेंगे वो देखिए, एक बार इस वाले का इन दोनों के साथ कराना है, फिर इसको इन दोनों के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल वाई एक गैमेट, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इस तरीके से कितने गैमेट बन गए, चार, ठीक है। तो यहाँ पे इनके गैमेट्स को बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक हमने डोमिनेंट को लेकर दूसरे करेक्टर के डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ मिलाना है, उसी तरीके से दूसरा फैक्टर रिसेसिव फैक्टर को लेकर दूसरे करेक्टर के दोनों ट्रेड से हमको क्या करना है, मिक्स करना है, तो ये क्या बन जाते हैं गैमेट। तो ये इस तरीके से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ ही करेगा, रिसेसिव रिसेसिव के साथ ही करेगा, वो दोनों के साथ मिक्स हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इनके बीच क्रॉसिंग लेते हैं और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस की रेशो बताते हैं किस तरीके से आती है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में अप्लाई हो रहा है, तो हमने क्रॉस ले रहे हैं किसके बीच में, हमने लिए पेरेंट राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है, क्या लिया है पेरेंट हमने, राउंड एंड येलो सीड, प्योर होमोजाइगस है, प्योर पेरेंट लिए हैं, इसकी क्रॉस हमने कराई रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ये क्या हो गए पेरेंट्स। अब इसके गैमेट क्या बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका गैमेट क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे ये क्या हो गए गैमेट्स, ठीक है, लॉग सेग्रीगेशन लग गया यहां पर। अब इसके बाद ये आपस में क्रॉस हो गए, तो क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हेट्रोजाइगस फॉर्म आ गई एफ वन जनरेशन। ये क्या बना, राउंड एंड येलो सीड, क्यों बना है, क्योंकि डोमिनेंट सप्रेस्ड हो चुका है डोमिनेंट करेक्टर से, ये अपना करेक्टर शो करेगा, ये अपना करेक्टर शो करेगा, इसने अपना करेक्टर बताया राउंड, इसने अपना करेक्टर बताया येलो, तो जो सीड में दोनों करेक्टर मिक्स हो गए, कौन कौन से, राउंड एंड येलो सीड, तो सीड कैसे प्रोड्यूस हुए, राउंड एंड येलो। अब हम इसकी जो है क्या करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉसिंग। तो सेल्फ क्रॉसिंग में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसके चार गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनका हम चैटरबोर्ड से पुनेट स्क्वायर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब हम यहां पे गैमेट डाल देते हैं,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो अब यहाँ पे हमने ये क्रॉस देख रहे हैं, तो मैंने ये F2 जनरेशन शो करी हुई है, सेल्फ क्रॉसिंग कराई मैंने इनकी F1 हाइब्रिड्स की, तो इनमें गैमेट बना कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरीके से इधर हमने ये फीमेल के गैमेट ले लिए, इधर ले लिए मेल के। तो अब जब ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, जब गैमेट बन रहे हैं, गैमेट बनने के बाद ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, तो ये क्या करके डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर गए, तो जिसकी वजह से लॉ लग गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या बना कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो इस तरीके से ये जो पूरे बने हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो आई है वो आई है 9:3:3:1। अब देखिए कैसे जो 9 करेक्टर डेवलप हुए हैं वो डेवलप हुए हैं राउंड एंड येलो सीड, ठीक है, जो डोमिनेंट करेक्टर है वो यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है। मैं ये ऊपर से रब कर रही हूं ये वाले गैमेट्स, तो 9 करेक्टर जो हुए हैं वो क्या आए हैं राउंड एंड येलो सीड। अब देखिए कैसे आए, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो प्योर होमोजाइगस हो गया, तो क्या हुआ राउंड एंड येलो, राइट जिस पे लगा रही हूं वो राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल तो राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई की वजह से ये भी क्या हो गया डोमिनेंट, है ना, तो ये क्या हुआ येलो। तो देखिए 1 2 1 2 3 4, तो यहां पे देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे क्या होंगे क्या बने हैं ये राउंड एंड येलो। देखिए ट्रायंगल बन रहा है यहां पर इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बने राउंड एंड येलो, बस इसमें एक ये ब्लॉक छूटा हुआ है, बाकी सारे 9 जो हैं वो क्या बने हैं राउंड एंड येलो सीड्स। तो इसमें हेट्रोजाइगस फॉर्म जैसे ही आ गई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या है राउंड एंड येलो। डोमिनेंट करेक्टर अगर रिसेसिव के साथ डोमिनेंट है तो डोमिनेंट करेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 जो बनते हैं वो बनते हैं राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। तो अब आप देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो दोनों रिसेसिव आ गया तो ग्रीन आ गया, तो ये क्या हो गया राउंड एंड ग्रीन। इसी तरीके से ये आ रहा है राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और इसी तरीके से एक आ रहा है ये, ठीक है, ये 3 क्या हो गए राउंड एंड ग्रीन। फिर नेक्स्ट 3 इसमें आते हैं रिंकर्ड एंड येलो, तो रिंकर्ड एंड येलो में ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया रिंकर्ड एंड येलो, और ये भी देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी क्या हो गया रिंकर्ड एंड येलो। तो इसमें येलो डोमिनेंट है ना तो सप्रेस कर रहा है, रिंकर्ड में रिसेसिव ही मिलेगा क्योंकि वो रिसेसिव करेक्टर है, और ये भी रिंकर्ड एंड येलो, तो 3 हो गए, और 1 क्या बचा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये क्या बचा रिंकर्ड एंड ग्रीन, ठीक है, ये इसकी हुई फिनोटिपिक रेशो कितनी हुई 9:3:1, ये हुई इसकी फिनोटिपिक। अब हम इसकी जीनोटिपिक रेशो बताती हूं मैं आपको, बहुत सिंपल याद करने का तरीका बता रही हूं जीनोटिपिक का। बारह चौबीस बारह एक सौ इक्कीस ट्वेल्व
24, 12, 121. तो जो ये 12, 24 है इतना, ये 9, फिर ये इतना 3, फिर ये 3 एंड दैट इज द 1. तो फिनोटिपिक रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इसमें अगर आप देखोगे 1 इसके अंदर जो वो प्योर है वो प्योर होमोजाइगस है. ठीक है, जो रेशियो दिखा रहे हैं हम यहां पर, तो देखो ये प्योर है, 1 इज द कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. फिर इसमें 2 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, देखिए इसमें जो राउंड है वो डोमिनेंट आ रहा है, प्योर होमोजाइगस है, और लेकिन येलो में क्या आ रहा है, हेट्रोजाइगस. तो 2 हुआ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये वाला, ये दोनों. ठीक, फिर उसके बाद 2 फिर हैंगे, तो 2 में क्या आ जाएगा, अब इसमें येलो में होमोजाइगस है और राउंड राउंड में हेट्रोजाइगस, तो ये वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और ये चारों पूरे हेट्रोजाइगस हैं. तो 4 क्या बन गए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ठीक है, अब ये तो कितने के लिए हो गया, 9 के लिए. अब बचे 3. 3 में एक ये है 1 और 2 एंड 3. कौन सा था ये करेक्टर हमारा, राउंड एंड ग्रीन. तो देखो आप इसमें ये होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है, राउंड भी और ग्रीन भी है ना. तो ये क्या हुआ, 1 राउंड एंड ग्रीन, और इसमें 2 क्या रहेगा, ये हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. तो ये किसके लिए हो गया, नेक्स्ट 3 के लिए. फिर 9:3, तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 के लिए क्या जाएगा, राउंड, रिंकल्ड एंड येलो. तो ये क्या हो गया, प्योर होमोजाइगस, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. और नेक्स्ट 2 जो होंगे वो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये वाले, ये दोनों. ठीक है, और 1 जो हो गया वो किसके लिए आ गया, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरी जीनोटिपिक रेशो निकली है, 12:24, 12:121, 1:2, 2:2, 2:4, 1:2, 2:1. तो ये इसकी डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो ही 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो ये. तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया हो. अगर और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आगे उसको एक्सप्लेन करने करूँगी और जल्दी आऊँगी फिर से आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके. टिल देन, बाय.